क्या आप भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं और आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर एक वीडियो बना के दिखा चुका हूं कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है, और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आप लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था और उसमें पूछा जा रहा था कि सर किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाइए। तो मैं सोचा चलो मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स जो कमेंट किए हुए हैं उसको हेल्प हो जाए। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप लैपटॉप से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन में, वहाँ पे जो है टीटी आपसे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगता है। अगर आपके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में भी अब जो है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आपके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट है या नहीं। या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पास फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का आपके पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है तब तो आपको 7 दिन ही आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगर आपके पास सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तब आप बनवा लीजिए, इसके बाद ही जाइए। अगर किसी के पास फर्स्ट डोज का है तो उसको जो है सेकेंड डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे आपको 15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है और इसके बाद जो है आपको सेकेंड डोज लेना ही लेना पड़ेगा। तो आप जो है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेके ही अगर आप जाना चाहते हैं फौरन तो जाइए, इसके बाद जो है वहाँ पे आपको 7 दिन ही क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अभी के टाइम में जो है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिसको आता ही नहीं है कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से अगर आप वैक्सीन ले लिए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप जो है मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से दोनों तरीक़ा से जो है आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है कोविन। देखिए मैं यहाँ पर डाला को तो यहाँ पर आ गया है kowin.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए कि ओपन होके आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप पहले से रजिस्टर किए होंगे तो यहाँ रजिस्टर एंड साइन इन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में जो है यहाँ पर ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप मोबाइल नंबर वैक्सीन लगाने टाइम में दिए थे, तो वही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर आपको OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर देखिए मैं OTP डाल दिया हूँ। ये OTP का टाइम जो वैलिड होता है 3 मिनट का टाइम होता है, तो 3 मिनट के अंदर अंदर में आपको OTP डाल देना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, जो आपका पूरा डिटेल्स, आप कौन से चीज़ से आप जो है वैक्सीन लिए थे। जैसे यहाँ पर देखिए पासपोर्ट से लिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट डोज लिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन जो यहाँ पर आधार कार्ड से लिए हुआ है, तो आप जो जिस चीज़ से भी लिए होंगे वो आपको यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये पासपोर्ट से लिया हुआ, तो यहाँ पर ये आ चुका है। इसका देखिए ये फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ले चुका है। तो जिसका भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी जो पर्सन है यहाँ पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ले चुका है।
तो आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट यहाँ से बहुत ही इजी तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो है करेक्शन वगैरह भी करना चाहते हैं, तो मैं इस पे ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ से आप जो है अपने सर्टिफिकेट में सुधार भी कर सकते हैं। इस पे मैं जो है एक वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद जो है आप कैसे सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, वो आप बहुत अच्छी तरीका से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है ये पर्सन पासपोर्ट से लिया हुआ है, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ चुका है, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन का जो है यहाँ पर जो है ओपन होके आ गया है सर्टिफिकेट। यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जो है बेनिफिशियरी का नाम आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया और क्या चीज़ से लिया हुआ है वो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है आ गया नंबर। इसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी का रेफरेंस आईडी आ गया, कौन सा वैक्सीन लिया है वो आ गया। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट डोज जो लिया हुआ है कितने डेट में लिया हुआ यहाँ पे आ चुका है, और सेकेंड डोज कब लिया है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद कौन जो है वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन लगाने वाले के नाम यहाँ पे आ गया है, और कहाँ पे लगा हुआ है ये वैक्सीन उसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यहाँ से जो है बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हुआ सेकेंड आप जो है डोज लिए हुए हैं उसका। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आप फर्स्ट डोज लिए हुए हैं तो उसका कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट डोज लगा हुआ है तो इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शन है, और जैसे ही ये जो है सेकेंड डोज लेगा तो ये जो है ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट डोज का यहाँ पर ऑप्शन खत्म हो चुका है और यहाँ पर है सेकेंड का ऑप्शन आ चुका है। तो आप जो है सेकेंड सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डोज लिए रहते हैं तो सिर्फ एक ही रहता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। यहाँ पर जैसे आप सेकेंड डोज लीजिएगा तो यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा जाएगा और यहाँ पर जो है ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड होके ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी का नाम आ चुका है, एज आ चुका है, जेंडर, और इसके बाद आईडी वेरीफाइड जो है क्या चीज़ से लिया हुआ है पासपोर्ट से, तो वो आ गया। यहाँ पे बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी आ गया, वैक्सीन कौन सा वैक्सीन लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कोवैक्सीन लिया हुआ है वो आ गया, फर्स्ट डोज कब लिया था वो आ चुका है, और सेकेंड डोज जो है नेक्स्ट ड्यू टू डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सितंबर में इसका लगेगा। इसके बाद कौन वैक्सीन लगाया हुआ है, कौन सा आदमी, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और कहाँ पर जो वैक्सीन लगा है उसका एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस इस तरीका से है अब बहुत ही ईजी तरीका और आसान तरीका से आप जो है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसका 25 दिन अभी बचा हुआ है, तो इसीलिए जैसे ही 25 दिन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो है शेड्यूल यहाँ से इसका बुक कर सकता है और जो है वैक्सीन ले सकता है। अभी इसका 25 दिन बचा हुआ है सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए। सो गाइस इस तरीके से जो है आप अपने सर्टिफिकेट जो है यहाँ से जो है बहुत ही ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस पे मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख के बहुत ही इजी तरीके से अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज अब तो आप सीख ही लिए होंगे कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है अपने लैपटॉप से घर बैठे। कोरोना सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और आपको डाउनलोड करना आना ही आना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे किस तरीके से आप लैपटॉप से और मोबाइल फ़ोन से दोनों से एक ही मेथड है, आप दोनों एक ही मेथड अपना के जो है आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।